क्या आपको लगता है? मार दिए उसका। कौन मार दिया? वो तीन लोग थे जैसे मोहम्मद हुसैन और नसीम और साबरून, तीन लोग ने मारा गला घोट कर। संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिली विवाहिता महिला की लाश, सूचना पर पहुंची पुलिस। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की लाश कमरे में पाई गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत दो के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया है। बता दें चले कि श्रावस्ती जनपद के हरदत्त नगर गिरन थाना क्षेत्र के सर्रा गाँव निवासी जाफिरा 40 वर्षीय पत्नी नसीम खां की लाश रविवार सुबह उसके कमरे में पाई गई। सूचना पर पहुंची गिरंट पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका जाफिरा पुत्री एबरार की शादी 18 वर्ष पहले नसीम खां पुत्र मोहम्मद हुसैन के साथ हुई थी। 5 साल पहले ही नसीम ने साबरून से दूसरी शादी कर ली। दोनों महिलाओं में आए दिन विवाद होता रहता था। शनिवार रात में भी दोनों महिलाओं व पति नसीम के बीच घरेलू विवाद हुआ था। सभी अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह जाफिरा की लाश संदिग्ध अवस्था में उसके कमरे में पाई गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गिरन थाने के थाना अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के भाई अख्तर खान ने थाने में तहरीर देकर पति व दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति नसीम व दूसरी पत्नी साबरून के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गांव में रहते हैं, केवलपुर। ये बताइए आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? बहन को हमारे गला घोट के मार दिया गया। कहाँ शादी किया था? सर्रा। किस जगह पड़ता है ये? हरबतपुर के पास पड़ता है। कौन सा जिला है? जिला श्रावस्ती। अच्छा, तो ये बताइए आपको कैसे पता, कब पता चला? हमको 2 बजे रात को पता चला, मगर उन लोग घर भर नहीं बताए, जो मोहल्ले के लोग ने फ़ोन किया कि आपकी बहन जो है यहाँ मर गई है। तो हम वही करीब करीब 4 बजे आए सुबह, तो देखे तो खाट पे पड़ी हुई थी। कितने साल पहले शादी की थी? 25 साल। तो इस बीच में आपसे कभी बात बहन की हुई होगी? क्या कुछ बताती थी, क्या दिक्कतें थी, कुछ परेशानी? हाँ, कहती थी कि तकलीफ देते हैं, मारते भगाते हैं। कौन तकलीफ देता है? उनकी हमारे बहनों ही, और उसकी जो है एक पत्नी और थी, तो वो दोनों मारते थे। तहरीर दिया कि नहीं दिया? तहरीर पहले कहीं नहीं दिए। नहीं, अभी तहरीर दिया है? हाँ, अभी दिए हैं। अच्छा, ये बताओ पूरे मामले में आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा, क्या मतलब क्या आपको लगता है? मार दिए और क्या। कौन मार दिया? वो तीन लोग थे जैसे मोहम्मद हुसैन और नसीम और साबरून, तीन लोग ने मारा गला घोट कर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।